ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव कोरस 2019 का आगाज हुआ। एसएसपी गौतम बुद्ध नगर, वैभव कृष्ण और शारदा विश्वविद्यालय के चांसलर पीके गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कोरस 2019 का उद्घाटन किया। दस नवंबर तक चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव कोरस 2019 की थीम सीने डेने वो रखा गया है। कोरस 2019 में अगले 2 दिनों में 30 से अधिक जबरदस्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दूसरे दिन प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक जुबी नौटियाल द्वारा कोक स्टूडियो नाइट की प्रस्तुति दी जाएगी और 10 नवंबर को समापन के दिन पंजाबी सिंगर जैसमान के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। इस उत्सव में दिल्ली एनसीआर से 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है। इसके द्वारा वो बैंड परफॉर्मेंस, ट्रायथॉन, गली क्रिकेट, रैप बार, फैशन शो और नुक्कड़ नाटक आदि में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इस मौके पर शारदा विश्वविद्यालय के चांसलर पीके गुप्ता ने कहा, संस्कृति मानवता का घटक है और ये उत्सव युवा पीढ़ी में हमारी समृद्ध संस्कृति धरोहर के प्रति सम्मान पैदा करने का एक बड़ा माध्यम है। एसएसपी वैभव कृष्ण ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, इस तरह के शानदार आयोजन के लिए शारदा यूनिवर्सिटी को बधाई देता हूं। मैं विद्यार्थियों में इस तरह की जबरदस्त ऊर्जा को देखकर उत्साहित हूं। मनोरंजन की पेशकश के अलावा इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में खिलाड़ी, सहयोग और टीम की भावना पैदा करते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से परिणाम की चिंता किए बगैर अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने की गुजारिश करता हूं। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।